एक मिनट, एक मिनट, क्यों ताला क्यों लगाया आपने? हाँ? ताला क्यों लगाया आपने? हमको ऊपर से बोला है। क्या बोला गया आपको? कि कोई भी आएगा ना तो उनसे बोलो परमिशन लेके आओ। हमारे किससे परमिशन, किससे लेने का? अलाउड है ना? अरे ओपन करा, ओपन करा मैडम। मैडम जी का हमारा सर्वे कर रहे थे। किससे परमिशन, किससे लेने का परमिशन, किससे लेने का? शिक्षण विभाग से। नहीं नहीं, अरे मेन मेन बात ऐका, सर्वे ऑलरेडी झाला है। ताला खोला, तुमचा लॉक खोला। पानी आहे का 15 दिवसापासून शाळेतला? पीछे पीछे पीछे, दूर सब लोग दूर से। नहीं तो ओपन करा। पानी आहे शाळेतला? नहीं आहे। माझ्याकडे पूर्ण व्हिडिओ आहे। खोटा बोलू नका, खोटा बोलू नका। माझ्याकडे पाईप आहे मॅडम। 15 दिवसापासून तुम्ही काय करताय? शाळेत पाणी नाही आहे, मला माहिती भेटली आहे मॅडम। हे बघा, मी तुम्हाला दाखवतो। ऐका, माझ्याकडे कहाँ पर आया? तुमची जबाबदारी आहे ना, मुलाने तोडले ठीक आहे, तुम्ही आपण बोलवायचं ना। इंजिनियर आपण 15 दिवसापासून बोलवलं आहे, 15 दिवसापासून तुम्ही काय करताय? प्लंबर का काम हो, इंजिनियर का क्या है? 200 रुपयात हे काम होईल, मी पाठवतो तुम्हाला प्लंबर। और उसके बाद प्रशासन बघा तुमच्या काम नाही, तुम्ही खाली तुम्ही मला जो बोलायचं ते करू। इथे पाणी काय नाही तो सांगा मला। अच्छा, हे तुम्हाला खाली तुम्ही एक पाहिजो एक बदल पाणी कुठे? मी सांगते ना तुम्हाला, हे बघा, हे जे नळ तुटले होते ना, हे बघा, हे पण उतार उतार सरका, हे बघा इकडे ये ना सर, सर इकडे इकडे बघा, हे बघा पूर्ण पाणी वाया जात होता म्हणून आम्ही पाचड होते, हे बघा लागून आले आहे। मुलाने तोडलं म्हणून ते पाणी बंद ठेवलं आहे। काय पहिला मला पण पाणी थोडा म्हणजे काय सर, तू बंद किया है ना, थोडा पाणी बंद केलं ना पहिला मला। हा उधर आता होगा, मैं उधर आता हूं, मैं सुबह आ रहा था, सुबह आ रहा था। अब बच्चे छुट्टी है, चेहरा भी आ रहा है, मैं एकदम छुट्टी पर क्या रहा है मैंने मेरे वाले एक राउंड गए थे। कुठे तुम सुरेश जी का बैठे? मैं हुसैन सुल्तान रणबीर भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मुमरा बाज़ार में थाने महानगर पालिका की स्कूल में 15 दिनों से पानी नहीं आने की वजह से, पीने का पानी और टॉयलेट का पानी नहीं आने की वजह से वहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस तरीके की लगातार शिकायत पूर्व अपोजिशन लीडर अशरफ शानू पठान और उनकी बेटी मर्जिया शानू पठान को हो रही थी, जिसके बाद मर्जिया शानू पठान और अशरफ शानू पठान ने आज यहाँ पे थाने म्यूनसिपल स्कूल का यहाँ पे हंगामी दौरा किया और उन्होंने वहाँ पर देखा कि वाकई में यहाँ पे काफ़ी दिनों से पानी की तकलीफ़ है, यहाँ पे बच्चों को परेशानियाँ हो रही है, यहाँ पे पीने का पानी नहीं है और उसके अलावा टॉयलेट में जाने के लिए पानी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी टॉयलेट में गंदगी हो गई। जिसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि यहाँ पर तकरीबन 1000 स्टूडेंट छात्र छात्राएं स्कूल पढ़े हैं और बच्चे जो लड़के हैं वो कहीं भी बाहर टॉयलेट जा सकते हैं, लेकिन लड़कियां कहाँ जाएगी, इस तरीके का सवाल उन्होंने उठाया। और वहीं उन्होंने थाने महानगर पालिका का जो शिक्षण विभाग है उसके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पे लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। थाने महानगर पालिका शिक्षण विभाग करोड़ रुपया यहाँ पे स्कूल के नाम पे लेता है, लेकिन यहाँ पे स्कूल की सहूलत के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर जल्द ही यहाँ पर 2 या 3 दिन में यहाँ पे पानी की समस्या का समाधान नहीं किया तो
यहाँ के जो स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स के साथ वो थाने महानगर पालिका के मुख्य द्वार पर यहाँ पे आंदोलन करेंगे। इस तरीके की चेतावनी उन्होंने शिक्षण विभाग और थाने महानगर पालिका के अधिकारियों को दी है। क्या कुछ कहा मर्जिया शानू पठान और अशरफ शानू पठान ने, आइए देखते हैं इस हमारे वीडियो में। मर्जिया को तकरार किया था और मर्जिया ने महापालिका के निदर्शन में लाई थी कि इस शाला में जब से शाला शुरू हुई यहाँ पे पानी नहीं, 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे और पूरे फ्लोर में कुछ जगह पे बारीक पानी आ रहा है, बाकी पानी है ही नहीं। आप सभी लोगों ने देखा, दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, चिंता की बात ये कि जो लड़के वो कहाँ भी बाहर बाथरूम टॉयलेट के जा सकते हैं, लेकिन लड़कियाँ लेडीज़ वो इमरजेंसी में क्या, ऐसी परिस्थिति में क्या उपयोग करें, ये बहुत सोचने की बात है। चिंता मुझे उन बच्चियों का कि इमरजेंसी में कोई कहाँ पे यहाँ पे आ गया तो कहाँ पे शौचालय, आज शौचालय की परिस्थिति ऐसी है कि जहाँ आप जाएंगे तो टॉयलेट आज भी पड़ा है, अभी भी। महानगर पालिका जो सोई भी है, शिक्षण विभाग जो करोड़ों रुपए ले चुका है, आज अगर थाने महानगर पालिका की मुख्य शालाओं में पानी नहीं होगा, दिक्कतें होंगी, तो हमारी परिस्थिति महापालिका के स्कूल में लोग ऑलरेडी कट ऑफ हो रहा है, लोग स्टूडेंट्स कम कर रहे, अपने बेचारे गरीब लोग ज़रूरतमंद लोग महापालिका के स्कूल में अपने बच्चों को डालना बंद कर देंगे। ये परिस्थिति के अंदर मुझे नहीं लगता कि लोग पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे पाएंगे, इसलिए आपके ज़रिए थाने महानगर पालिका के आयुक्त और शिक्षण विभाग को मेरी चेतावनी है कि परिस्थिति अगर 2 से 3 दिन के अंदर नहीं की तो पालिका के जितने पालक हैं उनके साथ महापालिका के मुख्य द्वार पे एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। करोड़ रुपए शिक्षा के नाम पे लेने के बाद महापालिका की ऐसी स्कूलों का गलत तरीके से, मतलब जो उनका व्यवस्था है वो गलत होने के कारण ये दिखाती है कि हम शिक्षण विभाग के अंदर हमारी शिक्षण जो है वो जीरो पे चल रही है। आपका नारा है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो जब पढ़ाई के लिए हमारी ये व्यवस्था है तो आज कैसे बढ़ेगा इंडिया, ये एक प्रश्न उपस्थित होता है। 20 दिनों से पानी नहीं है स्कूल में, पहले भी मुझे बहुत बार मुमरा कोसा के जो म्यूनसिपल्टी स्कूल है उसकी हमको कंप्लेंट्स आ चुकी थी कि कुछ ना कुछ मतलब इश्यूज रहता है, कभी पानी का इशू रहता है, कभी खाने का इशू रहता है, कि क्वालिटीज़ बहुत नीचे नीचे जा रही है, कभी दफ्तर का इशू रहता है, उनकी क्वालिटीज़ बहुत नीचे नीचे जा रही है। तब से मेरा इन पे ऑब्जर्वेशन था ही कि अब कुछ होगा तो मैं ज़रूर इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे करूँगी। फिर मुझे 2-3 दिन पहले इसका कंप्लेंट आया कि यहाँ पर 15-20 दिन से पानी नहीं है, लड़की लड़कों को बहुत तकलीफ़ हो रही है टॉयलेट जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सर्वे करवाया तो मेरे पास पूरी वीडियोज़ है कि टॉयलेट की कंडीशन कैसी है और टॉयलेट्स में पानी नहीं है, इसका सर्वे हमने करवाया और इसकी वजह से यहाँ पर आप आज हम आए हैं। आप बताओ कि कोरोना के बाद लोगों की ऐसे हालात है, इतने बुरे बेचारे लोगों के हालात है कि वो लोग प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी लोग नहीं एडमिशन कर पा रहे हैं। तो सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम 500, 600, 700 लोगों को 3-3 महीने के गैप में हम उनको फीस तो बांटते, पर लाखों की आबादी है तो उसको कैसे कवर किया जाएगा। कुछ लोगों को हम करेंगे पर महापालिका की तो ये जिम्मेदारी है ना कि म्यूनसिपल्टी स्कूल्स में बच्चे जाए पढ़े। हम उनको ये सजेशन देते हैं कि आप म्यूनसिपल्टी स्कूल में जाओ, आप पढ़ो उधर, पर पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। पर यहाँ पर ऐसे हालात रहेंगे तो बच्चे किधर जाकर पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा है और म्यूनसिपल्टी स्कूल के ऐसे हाल है तो बच्चे जाकर पढ़ेंगे कहाँ पर। तो जो इतना जो घोटाला, जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार होता है महापालिका का, इतना बजट मुझे बताओ आपके स्कूल का बजट जा कहाँ रहा है, स्कूल का बजट जा कहाँ रहा है। मैडम अभी कह रही हैं कि बच्चे लोग ने पाइपलाइन तोड़ दिया, हमने इंजीनियर को बुलाया। अरे मैडम को यही नहीं पता कि वो इतने छोटे से पाइपलाइन को तोड़ने के लिए इंजीनियर की नहीं प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है, 200 रुपये में जोड़ के जाएगा। हमको बच्चों ने बच्चे लोगों को हमारे पास पेरेंट्स की कंप्लेंट आई, पेरेंट्स कैसे रहते, बहुत सादे सुधे पेरेंट्स से सामने नहीं आएंगे कैमरा के, डर लगता उनको कि हमारे बच्चे फेल कर देंगे या कुछ भी, बच्चे अगर पेरेंट्स एक्स्ट्रा सोचते तो वो तो नहीं आएंगे सामने। पर हमने सर्वे करवाया खुद, हम चाहे तो आपको वीडियो दिखा सकते हैं, आपको वीडियो देखनी है मैं अभी आपको वीडियो दिखा देती हूँ, आप वीडियो देख लो, हमारे पास टॉयलेट की वीडियोज़ है कि उसमें टॉयलेट में पानी नहीं है। माजा फ़ोन भी दिखाते तुम्हारा, मैं तुमको दिखाती हूँ, उसके अंदर टॉयलेट में पानी नहीं है, टॉयलेट में टॉयलेट पड़ा है, पानी ही नहीं है तो टॉयलेट कैसे साफ होगा। अभी मैडम अंदर ही नहीं जाने दे रही है, मैडम
उन्होंने ताला लगा दिया, जैसे मैडम ने हमको देखा है बाहर ताले लगा दिए उन्होंने, ताले ही उन्होंने इस करके लगाए हैं ना, ताले उन्होंने लगा दिए। आपने देखा नहीं, हम जैसे एंट्री किए उन्होंने ताले लगा दिए, सुबह में भी नहीं जाने दे रहे थे वो लोगों, तो कैसे कैसे हम लोगों ने कैसे कैसे करके उनको भेजा है अंदर, बहुत आइडिया जुगाड़ लगाकर उनको भेजा है अंदर हमने। दो दिन में, अगर 2 दिन में नहीं किया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे महापालिका के साथ।